नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस। ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से इसको समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में सेट करना। जो भी चीजें मैं आपको बताऊं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये टॉपिक आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ते हो, मेरे से रेगुलर क्लास लेके पढ़ते हो, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर दूंगा, फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं समझाऊं वैसे फॉर्मूलों को आपको समझना है, रटना है ही नहीं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक आपको याद होगी चीजें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इसमें 3 चीजें होती है। एक समय होता है जिसको टाइम बोलते हो आप, एक चाल होती है स्पीड, एक दूरी होती है। इन 3 चीजों पे पूरा टॉपिक है ना डिपेंड करता है। पूरे टॉपिक में ये तीनों चीजें आपको नजर आएगी, ठीक है। अब एक एक करके तीनों चीजों को मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि चाल क्या होती है। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा, कहीं क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि चाल है 30 किलोमीटर पर घंटे, या 50 मीटर पर सेकेंड, या 40 मीटर पर सेकेंड, या 20 किलोमीटर पर घंटे, या 10 मीटर पर मिनट, या 12 मीटर पर मिनट। ऐसे चाल आपने देखी होगी या पढ़ी होगी, क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो आपने ये चीजें देखी होगी। एग्जामिनर आपको चाल 99% या तो किलोमीटर पर घंटे में देगा, या तो किलोमीटर पर घंटे में देगा, या मीटर पर सेकंड में देगा। 1% चांस है कि वो मीटर पर मिनट में दे दे, ठीक है। किलोमीटर पर घंटे या मीटर पर सेकंड में आपको चाल मिलेगी क्वेश्चन में। किलोमीटर पर घंटे, चाल को देखते हैं कि चाल होती क्या है। तो मैं यहीं से चाल का फॉर्मूला बनाता हूं। देखो, एग्जाम में आपको ये चीजें दे रखी होगी कि 20 किलोमीटर पर घंटे या 50 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल है, तो किलोमीटर पर घंटे इस तरीके से लिखा होगा। तो किलोमीटर क्या है आपकी, किलोमीटर में क्या होती है, दूरी। भाई किलोमीटर में क्या होती है, दूरी होती है। ओब्लिक का मतलब यहाँ पे बट्टे से है, ठीक है। ओब्लिक का मतलब किससे है, बट्टे से है। और घंटे या सेकेंड या मिनट क्या होगा, आपका समय होगा। तो आपकी जो चाल का फॉर्मूला बनेगा वो होगा दूरी बटे समय, इस तरीके से बनेगा। देखो, इससे ही पकड़ लिया, इस चीज को आपने पकड़ लिया, फॉर्मूला बना लिया। किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर क्या होती है, दूरी, और घंटे क्या होता है, समय। अगर मीटर पर सेकंड में दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीटर क्या है आपकी, दूरी तो है। देखो, मीटर क्या है आपकी, दूरी। ओब्लिक का मतलब डिवाइड होता है, और सेकेंड में क्या है आपका, समय है, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि चाल बराबर, देखो मैंने नीचे लिख दिया है वैसे, कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि चाल होगी किसमें, कि चाल जैसे 90 किलोमीटर पर घंटे होगी, तो किलोमीटर क्या है आपकी, दूरी है, और घंटे क्या है, समय है। तो चाल बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे समय। रटना नहीं है, वही फॉर्म लिख के दे दिया कि चाल बराबर दूरी बटे समय है। अब जैसे मैं आपसे 1-2 एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन करता हूँ, आपको बताना है कि दूरी आपको दे दी कितनी, 20 किलोमीटर, और समय दे दिया 1 घंटा। दूरी आपको दे रखी है 20 किलोमीटर, समय दे रखा है 1 घंटा, तो आपकी चाल क्या होगी। आप बोलोगे सर चाल बराबर होता है, अभी मैं आपने बताया कि दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी है आपके पास, 20। 20 किस में, किलोमीटर में, और समय कितना है, 1 घंटा, वो किस में है, घंटे में। तो आपकी चाल किस में आएगी, देखो किलोमीटर पर घंटे में आएगी, किलोमीटर ऊपर घंटा नीचे, तो किलोमीटर पर घंटे में आएगी, और कितनी आएगी, 20 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल को सोल्व करूं, दूरी आपको दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर, और समय दे रखा है 1 घंटा। तो दूरी आपको दे रखी है 40 किलोमीटर, ठीक है, चाल आ जाएगी दूरी बटे क्या होता है, समय चाल होती है, और 1 घंटा आपका समय है। चाल किस में आएगी आपकी, किलोमीटर पर घंटे में आएगी। 40 में 1 का भाग दोगे तो 40 ही आएगा, तो 40 किलोमीटर पर घंटे। तो अब आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं रहेगी कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, आराम से बना लोगे किलोमीटर पर घंटे में, किलोमीटर क्या है, दूरी, और घंटे क्या है, समय है। ऐसे मीटर पर सेकंड में हो तो दूरी बटे समय होगा, या मीटर पर मिनट में भी होता। देखो इधर, ये चाल आपकी 30 किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर क्या है आपकी, दूरी, घंटे क्या है, समय है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। मीटर पर मिनट को भी पकड़ लेते हो, मीटर क्या है आपकी, दूरी है, मिनट क्या है, समय है, तो चाल बराबर वही दूरी बटे समय होगा। इसमें एक मोटी मोटी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी मैं आपसे चाल के लिए पूछूं तो 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल होगी आपकी। आप 1 घंटे में कितना तय करते हो वो आपकी चाल होगी किलोमीटर पर घंटे में। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटे में आप जाते हो 50 किलोमीटर, 1 घंटे में आप जाते हो 50 किलोमीटर, तो आपकी चाल हो जाएगी 50 किलोमीटर पर घंटे। समझना आराम से। आप 2 घंटे में जाते हो 10 किलोमीटर, 2 घंटे में आप जाते हो 10 किलोमीटर, मैं आपसे आपकी चाल पूछूं कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 2 घंटे में मैं 10 किलोमीटर जाता हूं, तो 1 घंटे में कितना जाऊंगा, 5। ऐसे भी तो निकाल सकते हो, 10 में मैं 2 का भाग दे दूंगा, ये किलोमीटर है और ये घंटे में, तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर घंटे। बट ऐसे माइंड कैलकुलेशन करके आप बनाने की कोशिश किया करो, जैसे आप जाते हो 3 घंटे में 60 किलोमीटर,
3 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हो तो आपकी चाल क्या होगी, तो आपको दिमाग में लाना कि 1 घंटे में मैं कितना चलूंगा, तो आप 1 घंटे में चलोगे कितना, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल होगी। ठीक है, इस तरीके से दिमाग में आपको सेट करना है। कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं, उसको सोल्व करो आप। जैसे आपकी दूरी है 60 किलोमीटर और समय लगता है 2 घंटे, 60 किलोमीटर आपको जाना है और 2 घंटे का समय लगता है, तो चाल क्या होगी, चाल क्या होती है, 1 घंटे में आप जितना चलोगे वो आपकी चाल होगी। ठीक है, 1 घंटे में आप जितना किलोमीटर चलोगे वो आपकी चाल होगी, वो किस में आएगी, किलोमीटर पर घंटे में। 1 घंटे में जितना आप चलोगे वो आपकी चाल होगी, किलोमीटर पर घंटे में आएगी, जितना किलोमीटर आप चलोगे। तो आप 2 घंटे में चल रहे हो 60, तो 1 घंटे में कितना चलोगे, 30 किलोमीटर, तो आपकी चाल होगी 30 किलोमीटर पर घंटे। आप बोलोगे नहीं साहब मैं तो वैसे निकालूंगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो वैसे निकाल लो, मैं तो माइंड कैलकुलेशन करना आपको बता रहा हूँ। दूरी कितनी है आपके पास, 60 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे। 2 का भाग में 60 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, क्या आंसर आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर घंटे। कोशिश ये करा करो कि माइंड कैलकुलेशन आप ज्यादा से ज्यादा करो। जैसा आप 100 किलोमीटर की दूरी है, समय लगता है 100 किलोमीटर आपको तय करने में 4 घंटे का समय लग जाता है, तो 1 घंटे में कितना चलोगे। 1 घंटे पे क्यों लेके आ रहा हूं आपको मैं बार बार, क्योंकि 1 घंटे में तय की गई दूरी आपकी चाल होगी। 1 घंटे में जितना किलोमीटर आप तय करोगे वो आपको किलोमीटर पर घंटे में चाल मिल जाएगी। 4 घंटे में कर रहे हो 100 किलोमीटर, 2 घंटे में करोगे 50, 1 घंटे में कितना करोगे, 25। या आप ऐसे निकाल सकते हो कि साहब 100 किलोमीटर है टोटल दूरी और टोटल समय है मेरा 4 घंटे, 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 25 ही आएगा, और चाल किस में आएगी, किलोमीटर पर घंटे में। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब इस एग्जांपल को देखो, आपको दूरी दे रखी है कितनी, 50 मीटर, समय दे रखा है 1 सेकेंड, आपकी चाल कितनी आएगी। अब चाल बोलोगे साहब मैं तो इस तरीके से निकालूंगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपको कितनी दे रखी है, 50 मीटर, और समय कितना दे रखा है, 1 सेकेंड, तो अब चाल किस में आएगी, देखो मीटर पर सेकंड में आपकी चाल आएगी। ठीक है, क्योंकि पहले दूरी थी आपकी किलोमीटर और समय था घंटे में, तो किलोमीटर पर घंटे में आपकी क्या हो रही थी, चाल। अब दूरी आपकी किस में, मीटर में, समय है सेकंड में, तो आपकी चाल आएगी मीटर पर सेकंड में, तो आपकी चाल कितनी आएगी, 50 मीटर पर सेकंड। आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि आप 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करोगे वो आपकी चाल होगी मीटर पर सेकंड में। 1 सेकंड में जितना मीटर आप तय करोगे, जितनी दूरी आप 1 सेकंड में तय करोगे वो आपकी चाल मीटर पर सेकंड में आएगी। ठीक है, जैसे 50 मीटर चलते हो आप 1 सेकंड में, तो आपकी चाल कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर चलते हो कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो आपकी चाल कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। धीरे धीरे ये चीजें आपके समझ में आ रही होगी, या आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 30 मीटर, और समय कितना है, 1 सेकंड। 30 में मैं 1 का भाग दूंगा तो 30 ही आएगा, मीटर पर सेकंड साथ में है। अब जैसे ये 80 मीटर है, 80 मीटर जाने में आपको 20 सेकंड का समय लगता है, मीटर पर सेकंड में आपको चाल निकालनी है, तो आप सोचो 1 सेकंड में कितना चलोगे। 20 सेकंड में 80 मीटर जाते हो तो 1 सेकंड में चलोगे आप 4 मीटर निकाल सकते हो। देखो 80 मीटर आपकी दूरी है, समय लग गया कितना, 20 सेकंड, 0 से 0 कट गया, 8 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आपके पूरे क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, ध्यान रखना। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में आ रहा होगा साहब चाल किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कैसे बदले, वो सब कुछ बताऊंगा। पहले आप इन फॉर्मूलों को समझो, बेसिक को समझो, मैं बिल्कुल बेसिक 0 से बता रहा हूं आपको। दूरी आपको दे दी 300 मीटर, टाइम दे दिया 10 सेकंड का, चाल बताओ, चाल किस में आएगी, आपकी दूरी है मीटर में, समय है किस में, सेकंड में, तो आपकी चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। तो आप देख लो 1 सेकंड में कितना चलोगे, 10 सेकंड में आप 300 मीटर चलते हो तो 1 सेकंड में कितना चलोगे, 30 मीटर निकाल सकते हो। देखो दूरी है आपके पास कितनी, 300 मीटर, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। समय कितना है, 10 सेकंड का, चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी, 0 से 0 कट गया, 30 में मैं 1 का भाग दूंगा तो 30 ही आएगा, 30 मीटर पर सेकंड, ये आपकी चाल आ गई। तो चाल का फॉर्मूला आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी, आराम से आपने समझा कि किस तरीके से फॉर्म बनती है, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ऐसे ही दिमाग में सेट करना है। अब दूरी पे चलो, दूरी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि दूरी होती क्या है। देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, ये दूरी का फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अब निकालेंगे कैसे, कैसे देखो, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं उसी तरीके से समझना, उसी तरीके से दिमाग में चीजें सेट करना। आपको स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर घंटे, अब स्पीड 10 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है,
स्पीड देखते ही आपके दिमाग में आ गया, स्पीड होती है एक घंटे में तय की गई दूरी, अगर किलोमीटर पर घंटे में आपको दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी होती तो एक सेकंड में तय की गई दूरी, यहां पे आपको दे रखा है कि 10 किलोमीटर पर घंटे, तो स्पीड का मतलब ये हुआ कि मैं एक घंटे में 10 किलोमीटर चलूंगा। 10 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या हुआ कि मैं एक घंटे में कितना चलूंगा, 10, टोटल 4 घंटे में कितना चलोगे आप, एक घंटे में कितना चलोगे 10, तो 4 घंटे में मैं चलूंगा 10 × 4 कितना आ जाएगा 40, और ये किलोमीटर में ही आएगा। देखो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सोचना है बस आपको 10 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है कि आप एक घंटे में कितना चलोगे, 10 किलोमीटर पर घंटे का मतलब कि आप एक घंटे में 10 किलोमीटर चलोगे, टोटल 4 घंटे तक चलना है, 2 घंटे में 20, 3 घंटे में 30, 4 घंटे में कितना 40, 10 को मैं 4 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा आप 40 किलोमीटर चलोगे 4 घंटे में। वैसे आप देख सकते हो 4 को मैं समय से गुणा करा दूंगा, 4 आपकी 10 है, समय 4 है, दूरी बराबर 4 गुणा समय होगा, तो 10 4 से गुणा होगा तो भी कितना आएगा 40 किलोमीटर। माइंड कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ये ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, फॉर्मूले आप भूलोगे नहीं। अगले एग्जांपल पे चलो, इसको भी ऐसे ही समझाऊंगा मैं। 20 किलोमीटर पर घंटे आपको चाल दे रखी है, समय दे रखा है 5 घंटे, कि आप 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाते हो तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे। 20 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या है कि आप एक घंटे में कितना चलोगे 20 किलोमीटर, चाल का मतलब यही तो होता है। जैसे आपको चाल मिल जाती 50 किलोमीटर पर घंटे, इसका मतलब पता है क्या है कि आप एक घंटे में कितना चलोगे 50। चाल मिल जाती कि 100 किलोमीटर पर घंटे, इसका मतलब क्या है कि आप एक घंटे में कितना चलोगे 100। आपको चाल मिल जाती है 60 मीटर पर सेकंड, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है आप एक सेकंड में कितना चलोगे 60 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में, तो एक सेकंड को पकड़ोगे, एक सेकंड में आप 60 मीटर चलते हो। चाल दे दिया 70 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि आप एक सेकंड में कितना मीटर चलते हो 70 मीटर। ऐसे ही यहां पे चाल दे रखी है 20 किलोमीटर पर घंटे, तो एक घंटे में कितना चलोगे 20, टोटल कितने घंटे तक चलना है आपको 5 घंटे तक चलना है, तो 5 घंटे में कितना चलोगे 20 पंजे 100, 100 किलोमीटर आप चलोगे, तो 20 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा तो आपकी जो दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी 100 किलोमीटर। कायों की ये दिक्कत आ रही होगी, सब दूरी किलोमीटर में ही क्यों आएगी, देखो मैं समझाता हूं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, तो चाल आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल है, समय कितना है 5 घंटे, तो घंटे से घंटे कट जाएगा, क्या बचेगा किलोमीटर, तो दूरी किलोमीटर में आएगी जब चाल किलोमीटर पर घंटे में दे रखी हो, समय घंटे में दे रखा हो। ये चीजें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती जाएगी। आगे चलो, चाल आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड और समय दे रखा है 10 सेकेंड, आपको दूरी बतानी है। 30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि आप एक सेकंड में कितना मीटर चलोगे 30, तो 10 सेकंड में कितना चलोगे, एक सेकंड में 30, 10 सेकंड में 30 गुणा 10 300 मीटर चलोगे, गुणा भी करा लो कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, 30 गुणा 10 कितना चलोगे आप 300 मीटर। अब ये मीटर में आएगी दूरी, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में आपको चाल दे रखी है और सेकंड में समय दे रखा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि 30 मीटर पर सेकंड तो मेरी क्या है चाल है साहब, और समय कितना है 10 सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्या बचेगा मीटर ही बचेगा, तो 30 10 से गुणा होगा तो क्या आएगा 300 मीटर आएगा। दूरी किस में आएगी, मीटर में आएगी। मैं आपको ये चीजें बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, और ये बेसिक आप किसी भी चीज का समझ लेते हो, जैसे कोई सा सब्जेक्ट हो, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। आराम से इन चीजों को समझो, ऐसा मत समझो कि ये तो बहुत ही आसान है सर, तीन फॉर्मूले हम रट लेंगे, रटने की बात नहीं है, इनको बारीकी से समझो, बड़े बड़े क्वेश्चन यूं चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखो क्या है, स्पीड आपको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि आप एक सेकेंड में कितना मीटर चलोगे 50, कितने सेकेंड तक चलना है 5 सेकेंड तक, एक सेकेंड में 50 चलते हो तो 5 सेकेंड में कितना चलोगे 50 गुना 5 250 मीटर, डायरेक्ट ही निकाल दोगे साहब कि 250 मीटर में चलूंगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि नहीं साहब मैं तो पूरा निकालूंगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, तो निकाल ले भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आने वाला है कि आपकी चाल कितनी है 50 और समय कितना है 5 सेकंड, 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 25, वो जीरो पीछे पड़ा है ये मीटर में आएगा 250 मीटर ही आएगा। चीजों को आपको समझना है, अब समय को आराम से समझना, समय के फॉर्म कैसे बनती है, कैसे आपको याद करना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तो बेसिक फॉर्मूला इसका हो गया कि इस तरीके से आपको रटो तो रट लो कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, बट आपको रटना नहीं है, समझना है। दूरी आपको दे रखी है 100 किलोमीटर और चाल है 25 किलोमीटर पर घंटे, आपको समय निकालना है।
25 किलोमीटर पर घंटे दिखते ही आपके दिमाग में आ गया साहब मैं एक घंटे में 25 ही चल पाऊंगा और मेरे को जाना कितना है 100 किलोमीटर, तो कितना टाइम लग जाएगा? खुद सोचो, आप खुद से क्वेश्चन करो। किलोमीटर पर घंटे का मतलब चाल आपको दे रखी है 25 किलोमीटर पर घंटे, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक घंटे में कितना चलोगे? 25। जाना कितना आपको? 100 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 50, 3 घंटे में 75, 100 किलोमीटर जाते जाते आपको 4 घंटे लग जाएंगे। तो टोटल समय कितना लगेगा? 4 घंटे। तो समय बराबर आपका क्या होगा कि दूरी में मैं चाल का भाग दे दूंगा तो समय आ जाएगा। रटना नहीं है, आपको समझना है। 25 किलोमीटर पर घंटे का मतलब एक घंटे में आप 25 चलोगे तो 100 किलोमीटर कितनी देर में तय करोगे आप? 4 घंटे लग जाएंगे। 100 में आप 25 का भाग दो, 100 किलोमीटर में है, 25 किलोमीटर पर घंटे में। अब देखो समय किस में आएगा, किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, घंटे बट्टे में, देखो मेन बट्टा ये, इसके भी बट्टे में ये बट्टा है, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी। 25 का भाग मैं 100 में दूंगा, 4 बढ़ जाएगा और ये घंटे में वैल्यू आएगी। एक दो एग्जांपल से और ये क्लियर करता हूं। आपको दूरी दे रखी है 1000 किलोमीटर, चाल आपकी है 200 किलोमीटर पर घंटे, कितना समय लगेगा? 200 किलोमीटर पर घंटे का मतलब यह है कि आप एक घंटे में 200 चलोगे। भाई 200 किलोमीटर पर घंटे का मतलब क्या हुआ? चाल आपको 200 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ? आप एक घंटे में 200 चलोगे। जाना कितना है? 1000 किलोमीटर। तो कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे में 400 चलोगे, 3 घंटे में 600, 4 घंटे में 800, 5 घंटे में 1000। या आप ऐसे निकाल सकते हो कि मैं दूरी में किसका भाग दे दूं? चाल का, तो मेरे पास समय आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 घंटे। अगले एग्जांपल पे चलो, दूरी आपको दे रखी है कितनी? 300 मीटर, चाल है 15 मीटर पर सेकंड, समय आपको बताना है। देखो 300 मीटर चाल आपको दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड, चाल को पकड़ा करो 15 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है कि मैं एक सेकंड में कितना मीटर चलूंगा? 15। एक सेकंड लग जाएंगे 15 मीटर जाने में, तो 300 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? खुद से क्वेश्चन करा करो, ऑटोमेटिक आप भाग दोगे, ऑटोमेटिक चीजें निकालोगे अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता। 300 मीटर में आप 15 का भाग दे दोगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, समय किस में आएगा? सेकंड में। 30 में 15 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा, 0 पीछे पड़ा है, 20 सेकंड। ऐसे ही यहां पे देखो, दूरी आपको दे रखी है 600 मीटर, चाल 50 मीटर पर सेकंड, समय बताना है। 50 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में आप 50 मीटर जाते हो, तो 600 मीटर जाने में कितना समय? 600 में आप भाग दे दो 50 का, समय जो आएगा सेकंड में आएगा, 0 से 0 कटेगा। 60 में 5 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 12 सेकंड। बारीकी से इन चीज़ों को समझाया है मैंने, बिल्कुल बेसिक से समझाया है, कैसे फॉर्मूले आपको याद करने हैं वो चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है? तीनों फॉर्मूले बता दिए कि चाल बराबर क्या होता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 किलोमीटर पर घंटे, ये लो साहब फॉर्मूला ही आपको दे रखा है, किलोमीटर क्या है आपकी दूरी है, घंटे क्या है आपका समय है, ये आपकी चाल आ गई, ठीक है? ये चाल आ गई। अब इससे तो तीनों फॉर्मूले बनते हैं, दूरी क्या आ जाएगी? देखो चाल हर संख्या के बट्टे में एक होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब मैं दूरी निकालूं, समय देखो चाल से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा? चाल गुणा समय आ जाएगा। रटवाने के समय मैं कैसे ही रटवा सकता हूं आपको? समय निकालना है तो चाल की जगह समय आ जाएगा और समय की जगह चाल चला जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी में मैं चाल का भाग दे दूंगा तो आपका समय आ जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट का काम था, तीनों फॉर्मूले आपको रटवा देता। इतनी माता बच्ची क्यों कर रहा हूं कि आपकी चीजें समझ में आए। बेसिक पूरा समझाता हूं मैं, बेसिक से क्वेश्चन करवाता हूं और इतने अच्छे से मैं बताऊंगा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्व करोगे, एग्जाम में गलत होने के चांस है ही नहीं बिल्कुल ही। आगे चलो, देखो आपको क्वेश्चन में चाल मिलेगी किलोमीटर पर घंटे में या मीटर पर सेकंड में। अब ध्यान से समझना जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं, किलोमीटर पर घंटे बड़ी इकाई होती है। देखो किलोमीटर घंटा वैसे पढ़ने में आपको बड़ी लग रही है कि किलोमीटर बड़ा होता है सब, घंटे की वैल्यू भी बड़ी होती है, ये बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई होती है। मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है। जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। एक होता है 5/18, एक होता है 18/5। इन दोनों में से मैं आपसे पूछूं कौन सी भिन्न बड़ी है? 5/18 एक भिन्नी तो है, 18/5 भी एक भिन्नी है, कौन सी बड़ी है? 5 में 18 का भाग जा रहा है क्या पूरा पूरा? नहीं जा रहा साहब, पॉइंटों में जा रहा है कि 50 करूंगा फिर पॉइंट लगाऊंगा फिर 18 का भाग दूंगा। 18 में 5 का भाग जा रहा है, 3 बार तो जा रहा है भाई, कम से कम 3 बार तो जा रहा है, फिर पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे तो एक बार ही नहीं जा रहा, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, ये नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी ये देखना है कि 18/5 बड़ी है, 5/18 छोटी है।
अब देखो क्वेश्चन आ गया कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलो। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलो। मीटर पर सेकंड है और यहां पे क्या है, किलोमीटर पर घंटे। छोटी इकाई है ना मीटर पर सेकंड, इसको किस में बदल रहा है वो, किलोमीटर पर घंटे, मतलब बड़ी इकाई में। तो ये दो कैप्सूल है, 5/18, 18/5, दो कैप्सूल है, 5/18 छोटा कैप्सूल है, 18/5 बड़ा कैप्सूल है। आराम से समझना, देखो मजेदार कॉन्सेप्ट है, जब आप छोटी चीज को बड़ा कर रहे हो, छोटी चीज को आप बड़ा कर रहे हो तो बड़ा कैप्सूल दे दो। साहब समझ में नहीं आया कैसे, 10 मीटर पर सेकंड एक छोटी इकाई है और इसको किलोमीटर पर घंटे में बताना है, मतलब बड़ी इकाई में बताना है, तो छोटी को क्या बना रहे हो आप, बड़ी, तो इसको बड़ा कैप्सूल दे दो। बड़ा कैप्सूल कैसे देना है, 10 मीटर पर सेकंड ये तो है ही, बड़ा कैप्सूल से इसको गुणा करा दो, जो भी मान आएगा किलोमीटर पर घंटे में आ जाएगा। 10 में मैं 5 का भाग दूंगा 2 बार, 18 2 से गुणा होगा तो आपका क्या आंसर आएगा, 36 किलोमीटर पर घंटे। ये किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो गया। आप बोलोगे साहब समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और दो। देखो यह है 90 किलोमीटर पर घंटे, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। बड़ी को क्या करना है आपको, छोटी, क्योंकि बड़ी का ये किलोमीटर पर घंटे, तो इसको क्या बनाना है, छोटा, तो छोटा कैप्सूल दो। तो 90 जो किलोमीटर पर घंटे है, छोटा कैप्सूल देने का मतलब गुणा कराना होता है, छोटा कैप्सूल है 5/18, इसको गुणा करा दो, ये मीटर पर सेकंड में छोटी चीज में कन्वर्ट हो गया। 90 में पूरा पूरा भाग जाएगा 18 का, 18 × 5 = 90, 5/5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो दो कैप्सूल आपको ध्यान रखना है, 5/18 और 18/5, ये दो कैप्सूल आपके, छोटा कैप्सूल है 5/18, बड़ा कैप्सूल है 18/5। छोटे को बड़ा करना है तो बड़ा कैप्सूल लो, बड़े को छोटा करना है तो छोटा कैप्सूल लो। देना कैसे, गुणा कराना है। 2-3 एग्जांपल लाया हूं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये प्रेजेंटेशन में मैंने ये लिखा है कि किलोमीटर पर घंटे में आपकी चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलनी है। तो बड़ी को क्या कर रहे हो आप, छोटी, तो छोटा कैप्सूल दे दो। छोटा कैप्सूल कैसे कर देना, आपको गुणा कराना, जो भी आपको संख्या दे रखी है, जो भी चाल दे रखी है, उसको 5/18 से गुणा करा दो, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। अब मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर घंटे क्या, बड़ी है, इसको बड़ा बना रहे हो आप तो बड़ा कैप्सूल दे दो, 18/5 से गुणा करा दो, वो किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल लाया हूँ 2-3, आराम से क्लियर होगा। 54 किलोमीटर पर घंटे आपकी चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब आप खुद को जवाब दो कि बड़े को छोटा करना है या छोटे को बड़ा करना है। अब बोलोगे सब किलोमीटर पर घंटे क्या है, बड़ा है, इसको क्या करना है, छोटा, तो कौन सा कैप्सूल दोगे, छोटा कैप्सूल। दो कैप्सूल होते हैं 5/18 और 18/5, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको अच्छे से पता है, 5/18 छोटा है, इसको छोटा बनाना, छोटा कैप्सूल दे दो, 54 को 5/18 से गुणा करा दो। 18 का भाग मैं 54 में दूंगा 3 बार, 3/5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, ये चेंज हो गया आपका मीटर पर सेकंड में। 54 किलोमीटर पर घंटे को आपने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल और देखो, 36 किलोमीटर पर घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। वही बड़े को क्या करना है, छोटा करना है, तो छोटा कैप्सूल, छोटा कैप्सूल कौन सा है, 5/18, 36 को मैं गुणा करा दूंगा 5/18 से, 18 का भाग में 36 में दूंगा 2 बार जाएगा, 2/5 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। मजा आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। 20 मीटर पर सेकंड है, इसको बदलना किस में, किलोमीटर पर घंटे में बदलना है। देखो 20 मीटर पर सेकंड, छोटे को क्या बना रहे हो आप, बड़ा, तो बड़ा कैप्सूल दो। बड़ा कैप्सूल कौन सा होता है, 18/5, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 18/5 से गुणा करा दोगे, 5 का भाग में 20 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 18 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 72, और ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटे में। ऐसे ही ये एग्जांपल है, 45 मीटर पर सेकंड को आपको बदलना है किलोमीटर पर घंटे में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में। छोटे को क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, तो बड़ा कैप्सूल दे दो, 45 को बड़ा कैप्सूल दोगे तो बड़ा कैप्सूल कौन सा है, 18/5, गुणा करा दिया, 5 का भाग में 45 में दूंगा 9 बार, 18 9 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 18 9 162 किलोमीटर पर घंटे, ये किलोमीटर पर घंटे में चेंज हो गया। तो मैंने आपको बेसिक बताया है, तीनों फॉर्मूले पे डिस्कस कराया आज की क्लास में कि कैसे बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है, बिल्कुल बारीकी से बताया, बेसिक से बताया है। अब अगली क्लास में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलो और किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। मेरे साथ आप रेगुलर जुड़ो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा एग्जाम में, मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ो, जिससे इन चीजों का फायदा उनको भी हो, ऐसा खुद का स्वार्थ नहीं देखना है, ध्यान रखना, सबको जोड़ना।